यस। तो स्टार्ट करते हैं माथेरान की हिल क्लाइम यहाँ से। ओहो हो, और एक राइडर की स्कूटर जो है वो इको मोड में आ गई। वाओ, और लैंडस्केप देखो गाइस, व्यू देखो, बहुत ही मज़ेदार। फुल थ्रॉटल नॉर्मल मोड में बस 14 की स्पीड पे जा रहा है ये। मैं आपको ऊपर पहुँच के बैटरी के सेट दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 6 एंड इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम बदलापुर। सो अभी चलते हैं और निकलते हैं बदलापुर से और फिर राइड स्टार्ट करते हैं माथेरान के लिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 5:50, 6 बजे हम अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे चाय पीने। एक बार मैं आपको बैटरी साइड दिखा देता हूँ राइड स्टार्ट करने से पहले। अभी मैं हूँ बदलापुर में और रात भर हमने अपनी बैटरी को 100% चार्ज कर ली। रेंज वही एको मोड में 170, नॉर्मल में 135, स्पोर्ट्स में 118 और हाइपर में 94 दिखा रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी राइड फ्रॉम बदलापुर टू माथेरान की। तो ये हमारी बाकी दो राइडर की ओला S1 Pro खड़ी है। बाकी जो राइडर्स और ओला S1 Pro थी वो आगे गई है कॉर्नर पे चाय पीने। तो आगे चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट करते हैं अपने माथेरान की राइड। सो फाइनली हमने स्टार्ट कर दी अपनी राइड बदलापुर से माथेरान की और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:54। पहले हम सुबह सुबह चाय पियेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, क्योंकि फ्यूल अप करना तो ज़रूरी है बॉस। तो हमारे जो कुछ राइडर्स आगे गए हैं वो चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं और एक राइडर हमारे साथ आगे जा रहा है। ये मिल गई टपरी। सो ये रही हमारी चाय की टपरी और सारे राइडर्स। तो सुबह सुबह की चाय और ये रहे सारे राइडर्स। तो ये रही आज की हमारी 10 स्कूटर्स राइड के लिए तैयार। तो गाइस चाय पीने और फ़ोटो निकालने में 15 मिनट डीले हो गया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हम निकल चुके हैं बदलापुर से अपनी राइड के लिए टूवर्ड्स माथेरान। सो आगे 2 राइडर चल रहे हैं और बाकी राइडर्स जो है वो पीछे हैं। मिरर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से माथेरान के लिए अराउंड लगेगा 1 घंटे बदलापुर से माथेरान। और अगर हमारी टाइमिंग सही रही तो हम माथेरान से ही सनराइज़ एंजॉय करेंगे गाइस। फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ लेकिन इसको डाल देता हूँ इको मोड में। ठंड काफ़ी है क्योंकि सुबह के 6:15 बज रहे हैं। मैंने इतनी ठंड एक्सपेक्ट नहीं करी थी सुबह, तो मैंने जैकेट भी नहीं लाया, लेकिन कोई नहीं, जैसे ही सनराइज़ होगा वैसे ये जो ठंड है वो कम हो जाएगी। तो सारे राइडर्स अप्रॉक्सीमेटली 38-40 के स्पीड में ही चल रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी ओला S1 Pro को डाल दिया क्रूज़ मोड में। सारी गाड़ी जो आगे जा रही है कितनी मस्त लग रही है गाइस। यार बदलापुर रुकने का एक मेन रीज़न यही था कि माथेरान के अंदर जो है वो स्कूटर्स अलाउड है नहीं, तो कोई चार्जिंग फैसिलिटी पे हम चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम बदलापुर में ही रुक के अपनी स्कूटर को ओवरनाइट फुल चार्ज करके फिर सुबह सुबह 6 बजे निकले अपने माथेरान राइड के लिए, और ताकि हम अपनी राइड भी कंप्लीट कर लें और चार्जिंग का कोई इशू भी ना आए। तो ये प्लान का एक पार्ट था कि हम बदलापुर में रुक के अपनी स्कूटर्स को चार्ज करेंगे। और एक तरीके से अच्छा भी है, जब आपकी बैटरी फुल होती है तब आपके बैक ऑफ द हेड कोई स्ट्रेस नहीं होता कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और आपको चार्जिंग के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, क्योंकि माथेरान में ओला का हाइपर चार्जर तो है नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना चार्ज करके निकले अपनी स्कूटर को बदलापुर। आई होप आपको अब तक की जर्नी पसंद आ रही है। सुबह मुझे ठंड लग रही है, 6:25 हो रहे हैं और सनराइज़ अभी होने के कोई आसार है नहीं, शायद 7:15 तक होगा सनराइज़ या शायद 7:30 तक भी। तो जब भी होगा मैं आपको सनराइज़ का एक बहुत ही प्यारा शॉट दिखा दूंगा। तब तक के लिए राइड को एंजॉय करिए मेरे साथ और कीप वॉचिंग द व्लॉग गाइस। इस टाइम मैंने नेविगेशन नहीं लगाया क्योंकि पूरा ग्रुप है राइडर्स का, तो एक बंदे ने लगाया है जो आगे है लीड कर रहा है और हम बस फॉलो कर रहे हैं। तो मैप लगाने की ज़रूरत नहीं समझ में आई। और फिलहाल तो हम 30-40 के स्पीड में ही चल रहे हैं और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस हिसाब से माथेरान का जो ETA दिखा रहा है वो 7:15 का दिखा रहा है। लगभग हम 7:15 जो कि सनराइज़ टाइम है उस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे माथेरान।
6:34 हो गए गाइज, और मैं 40 के स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ इन नॉर्मल मोड, क्योंकि बीच बीच में थोड़े ब्रेकर्स भी हैं तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड से दिन निकल रहा है और राइट साइड से जो है वो रात ख़त्म हो रही है। रात का अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, सूरज की बस एक छोटी सी किरण उसे चीरने के लिए काफ़ी है। अभी हम रुके हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। ये रहे सारे राइडर्स चाय पीने के बाद। अब बारी है अपने आगे की जर्नी तय करने की। सुबह के बज रहे हैं 6:59, 7 अप्रोक्सीमेटली बज गए हैं और दिन अच्छा खासा निकल चुका है और सारे राइडर्स जो है वो एक लाइन में चलते जा रहे हैं। ये देखो आगे वाला जो राइडर है उसके जैकेट में हवा भर गया है और वो कैसे हिल रहा है। टोइंग 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 टोइंग। सैडलिंग करिए कभी गाइस ओला एसन प्रो पे, आज ट्राई कर लें। नहीं। 1 2 3 गेट सेट गो। बहुत ही प्यारी सनराइज हो रही है वहां से। सनराइज हमने यहीं से देख लिया लेकिन आगे अभी बहुत सारे नज़ारे और बाकी हैं गाइस, तो बने रहो वीडियो में। और अगर वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है अभी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ लो ना, इंडिपेंडेंट बैकपैकर। यस, व्लॉग में आएगा तू। अरे वो एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा था चैनल। यहाँ से हमारी क्लाइंब जो है वो 7 to 8 किलोमीटर की स्टार्ट होगी और हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, वड़ा पाव ब्रेकफास्ट, और फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी क्लाइंब। एक बार मैं आपको बैटरी स्टार्ट दिखा देता हूँ हिल क्लाइंब स्टार्ट करने से पहले। 83% बैटरी बची हुई है। इको मोड में 141 दिखा रहे हैं, नॉर्मल मोड में 113, स्पोर्ट्स में 100 और हाइपर में 80, और ट्रिप मीटर हमने इसको 0 पे सेट कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं माथेरान की हिल क्लाइंब यहाँ से और देखते हैं कि कितना रेंज ड्रॉप मिलता है हमें ऊपर पहुँचने तक। A few minutes later. ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ये माथेरान का टॉय ट्रेन का ट्रैक है और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन बना हुआ है, उसका नाम है जुम्मा पट्टी। वाओ, और लैंडस्केप देखो गाइस, व्यू देखो, बहुत ही मज़ेदार। ये देखो कितना स्टीप क्लाइंब है यहाँ का। ओहो हो हो, फुल थ्रॉटल नॉर्मल मोड में बस 14 की स्पीड पे जा रहा है ये। मैंने यहाँ पे फुल थ्रॉटल दे के रखा है नॉर्मल मोड में और स्पीड जो थी वो सिर्फ 12-13 की स्पीड पे जा रही थी आगे, और सारे एकदम जोशीले राइडर्स आगे बढ़ते हुए स्टीप क्लाइंब पे अपनी ओला एसन प्रो के साथ। अलग ही मज़े आ रहे हैं गाइस ये क्लाइंब पे राइड करते हुए अपनी ओला एसन प्रो पे। आगे 3 राइडर्स जा रहे हैं एकदम लाइन से। वाओ, ये तो और भी ज़्यादा स्टीप है। ये वाला जो स्ट्रेच था वो 60-65 डिग्रीज स्टीप था और एक स्टीप क्लाइंब आ गया। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हो ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है जो माथेरान पे चलता है। तो हमारे एक राइडर की स्कूटर जो है वो इको मोड में आ गई है वो ओवर हीटिंग की वजह से। ओहो हो, और एक राइडर की स्कूटर जो है वो इको मोड में आ गई ओवर हीटिंग की वजह से। तो 2 राइडर्स इको मोड में आ चुके हैं। मेरा तो 24 है। क्या 24 है मेरा? ऊपर बंदर है तो खाना मत निकालना बस। 2 राइडर्स की आ गई है ना? हाँ, 2 राइडर की इको मोड में आ गई। क्या क्या? हाँ, 2 राइडर की जो स्कूटर थी वो इको मोड में आ गई थी क्योंकि उनके एमसीयू का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया था। मेरे स्कूटर का टेम्परेचर फिर भी 24-25 ही था
तो कुछ टाइम वेट करने के बाद जब टेम्परेचर वापस लो हो जाता है तब आप इसे नॉर्मल मोड में राइड कर सकते हो। बैटरी स्टेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार ये क्लाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी स्टेट्स कैसी आई है। वापस आ गया भाई एक राइडर हमारा इको मोड में, ये वही राइडर है जो इसके पहले भी इको मोड में आ गया था। इको मोड, वाओ यार व्यू देख यार, बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस, बहुत ही प्यारा। थोड़ा डिस्टेंस हमें और ट्रैवल करना है, दो टर्निंग्स और हैं और उसके बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे माथेरान के एकदम टॉप पे। 6 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है अब तक नीचे से, 1 या 1.5 किलोमीटर और है एकदम टॉप पे पहुंचने के लिए। ये जो क्लाइम है ना गाइस माथेरान वाला वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है तो बैटरी ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको ऊपर पहुँच के बैटरी के साइड दिखाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 1 किलोमीटर हार्डली रह गया एकदम टॉप पे पहुंचने के लिए, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो हम पहुंच गए माथेरान के गेट पे, ये रहा माथेरान का गेट और अभी हम इसको करेंगे पार्क, फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टैट्स। एक बार मैं आपको बैटरी साइड दिखा देता हूँ, 7.3 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है नीचे से लेके एकदम ऊपर तक, पूरी क्लाइम हमारी 7.3 किलोमीटर्स की थी और जो हमारे पास रेंज अभी बचा हुआ है वो 87 किलोमीटर्स है नॉर्मल मोड, इको में 107। स्पोर्ट्स और हाइपर फ़िलहाल एक्टिव नहीं है क्योंकि टेम्परेचर शायद बढ़ गया है एमसीयू का, इसलिए सिर्फ नॉर्मल और इको मोड दिखा रहा है। नॉर्मल में 87 है और इको में 107। तो ये थे बैटरी स्टैट्स और ओवरऑल हमने जो ट्रिप कवर की हिल क्लाइम की स्पेसिफिकली वो 7.3 किलोमीटर्स की। जब हमने स्टार्ट किया था तो नॉर्मल मोड में 113 था, तो इसका मतलब ये कि 26 किलोमीटर का रेंज इसने कंज्यूम किया नॉर्मल मोड में टू ट्रैवल 7.3 किलोमीटर्स ऑफ हिल क्लाइम। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं माथेरान, अभी बजे सुबह के 8:46 और आई होप आपको मेरी मुंबई टू माथेरान की जर्नी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।